अरे सविता, सुना तूने? जोगिंदर की बहू और माँ कल कैसे ताल ठोक ठोक कर लड़ रही थी। हाँ जी जी, सुना तो है, लेकिन आप इतनी खुश काहे हो रही है? ये तो घर घर की कहानी है। ये तूने 50 तोले की बात कही है। 100 तो मैं हमेशा कहती हूँ, चोटी घुमाते हुए सविता ने कहा। कल मेरे घर में भी महाभारत मचा हुआ था। अच्छा, वो क्यों भला? अब क्या बताऊं, बहू के जीजा ने उसकी बहन को रानी हार बनवा कर दिया है, बस इधर इसका टेप चालू हो गया। रानी हार ना सही, कुछ दे दिलाकर मना लो बहू को। हाँ देखती हूँ। वैसे एक बात कहूँ सविता? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिंदास कहो जी, जो भी कहना है। तू बोलने देगी तब तो कुछ बोलू ना, हर बात बीच में ही काट देती है। अब बोलो भी जी जी, क्या बोल रही थी? यही कि तुम अभी बहुत सुखी हो जो बेटे का ब्याह नहीं हुआ। लेकिन यही चहल पहल तो घर की रौनक है, बहू गूंगी थोड़े ना होनी चाहिए। अरे भगवान करे तेरी बहू खूब तेज तर्रार आए, फिर लो रौनक का मजा। हाँ जी जी, मुझे तो बहू की तमन्ना है, सबकी तरह कठपुतली की नहीं। वाह, पोतड़े धोए हम और ऐश करे कोई और, इसमें नया क्या है? ये तो दुनिया का दस्तूर है। हाँ, जब सर पर नाचेगी तब रोना किस्मत को। नहीं रोऊंगी जीजी, मुझे तो कहीं किसी रोज की रमोला सिकंद जैसी सास बनना है। अरे भगवान तेरी भली करे, चलती हूँ, तेरी तरफ फुर्सत नहीं है मुझे। घर जाते हुए कमला बड़बड़ाती जा रही थी। बड़ी आई रमोला सिकंद बनने वाली, बेटे का ब्याह होने तो दो, 4 दिन बाद बहू का दुखड़ा रोती ना फिरे तो कहना। लेकिन जल्दी ही सविता के बेटे की शादी उसी के ऑफिस में काम करने वाली मोहिना से हो गई। कुछ दिन बाद रचित और मोहिना ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए कि सविता ने कड़कते हुए कहा, सुनो बहू, मेरा बेटा अच्छा पैसा कमाता है, तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सासू माँ, कल से मैं घर पर ही रहूंगी। तब सविता ने खुद से कहा, अरे ये तो फौरन मान गई, मुझे तो लगा था हंगामा करेगी। मोहिना सारे काम अच्छे से करती, सविता को लड़ने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां रा। तो जैसे ही बहू ने खाना लगाया, सविता बोली, अब तू रोज ये मसालेदार खाना इसीलिए बनाती है ना कि जिसे खाकर मेरा वजन बढ़ जाए और मैं बीमार होकर जल्दी से मर जाऊं। अरे नाना सासू माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे जिससे मेरे मरते ही घर की मालकिन बन जाओ। सब समझती हूँ मैं, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ अच्छा ठीक है सासू माँ, कल से मैं आपके लिए अलग से खाना बना दिया करूंगी। और अगले दिन से सविता के लिए अलग से सादा खाना बनने लगा। एक दिन मोहिना ने सोचा, क्यों ना आज मंदिर साफ करके सजा दूं, सासू माँ खुश हो जाएंगी। लेकिन जब सविता ने देखा तो बहुत गुस्सा हो गई। बहू! आवाज सुनकर दौड़ती हुई कमला आ गई। अब आएगा मजा इन सास बहू की लड़ाई में। अरे क्या हुआ सविता, गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है? हे भगवान, क्या बताऊं जीजी, देखो तो ये क्या अनर्थ कर डाला इसने, पंचक में कौन मंदिर साफ करता है। तब तक मोहिना भी आ जाती है। जी जी सासू माँ। अरे सासू माँ की बच्ची, ये सब क्या है? वो मंदिर साफ किया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि पंचक में मंदिर साफ नहीं करते? वो तो याद नहीं रहा। हाँ हाँ, उस मुए मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना कुछ याद रहेगा। हे भगवान, इस लोग के साथ परलोक भी बिगाड़ देगी ये कल मुही। माफ कर दीजिए, आगे से बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। फिर कमला ने कहा, आप बैठी चाची जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे सविता, तुम्हारी बहू तो बड़ी समझदार है, तुम्हें बात बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। अभी कुछ दिनों बाद पॉलिश उतरेगा जीजी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जस्ट वेट एंड वॉच। कल से घुटनों में दर्द सा है। अरे सुबह सुबह टहलने चला करना मेरे साथ।
सही कहा जी जी, कल से ही चलती हूँ। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बहू, कल से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी, 6 बजे लेमन टी बना देना। जी ठीक है। ऐसे ही एक दिन मोहिना चाय का कप लेने सविता के कमरे में जाती है। सासुमा का कमरा तो बहुत गंदा है, आज मैं ही साफ कर देती हूँ, वैसे भी वो अभी घूमने गई है और मैं फ्री भी तो हूँ। उसने कमरा चमका दिया, फिर खुद से कहा, अरे वाह मोही, आज तो सासुमा पक्का खुश हो जाएंगी। पर ये क्या, सविता तो खुश होने की बदले भड़क गई। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ लगाने की? सासुमा, कमरा बहुत गंदा था तो मैंने सोचा। अच्छा, तो तू ये कहना चाह रही है कि मैं गंदगी में रहती हूँ है? मेरे राज में फर्श ऐसे चमकते थे जैसे आईने, समझी? जी। और आगे से मेरे किसी सामान को हाथ मत लगाना। नहीं नहीं लगाऊंगी। और हाँ, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी कुछ नहीं कहूंगी सासुमा, आप नहा लीजिए, खाना बन गया है। हाँ हाँ नहाती हूँ, अकल मत दे मुझे। शाम को सविता ने सोचा, चलो चलकर कमला जी के हाल चाल ले आती हूँ। अरे आओ सविता, आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? बस जी जी, सोचा 2-3 दिनों से मिली नहीं तो मिल लूँ आपसे। अच्छा किया, और बता क्या हाल चाल है मेरी रमोला? अरे काहे की रमोला जी जी, मेरी बहू को किसी बात पर गुस्सा ही नहीं आता, ना ही वो लड़ती है, लगता है मेरा ये अरमान कभी पूरा ही नहीं होगा। अरे होगा कैसे नहीं, अभी तो रुपका इक्का तो तुमने चला ही नहीं है और हार मान ली। मैं कुछ समझी नहीं जी जी। देखो लड़कियों को ना अपना मायका बहुत प्यारा होता है, वो वहाँ के कुत्ते की भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब उसके मायके वालों को बुलाकर जलील करूं? अरे ना ना, इतना करने की क्या जरूरत है, फालतू में चाय नाश्ता करवाना पड़ेगा। तू तो बस उसे उसके मायके के नाम से ताने मार। अगले दिन सविता ने कान से फोन लगाया, थोड़ी देर बात की, फिर मोहिना से बोली, तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं, तुझे कुछ काम काज भी ना सिखाया। अरे मेरे भोले भाले बेटे को फंसा कर शादी कर दी, कहीं और होती तो 10 लाख कैश मिलते कैश। मोहिना बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। अरे वाह रे वाह, तेवर तो देखो महारानी के, मैं बात कर रही हूँ और इनके कान पर जू भी नहीं रेंग रही, तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है। तभी मोहिना आई और अपना ATM सविता को देते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा के सारे पैसे हम भाई बहन की पढ़ाई पर खर्च हो गए, लेकिन सासुमा आप इसे रख लीजिए, ये मेरा ATM है, इसमें पूरे 15 लाख रुपए हैं। और रही बात कामकाज की तो आप सिखा दीजिएगा, आप भी तो मेरी माँ हैं। ये सुनकर सविता ने मोहिना को गले लगा लिया और बोली, तू दो नहाओ पूतो फलो, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया बहू। शिक्षा, हम अपने अच्छे व्यवहार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं।